वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो फ्रेंड्स अपने विंटर गार्डन ओवरव्यू दिखाऊंगी। तो चलिए मैं ओवरव्यू दिखाऊंगी और कौन कौन से प्लांट मैं लगा रखी हूँ उसका नाम भी बताऊंगी। तो वीडियो की शुरुआत इस येलो हिबिकस से। ये देख सकते हैं, ये हिबिकस के प्लांट हैं जिसके पत्ते विंटर में झड़ गए हैं, लेकिन समर आते आते ये प्लांट अच्छी तरह से इसमें पत्ते भी भर जाते हैं और अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करते हैं। ये देखिए, इसमें अभी भी कलियां आ रहे हैं। ये देखिए, पूरे विंटर ये एक कुछ ना कुछ कलियां देते रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग थोड़े से कम मात्रा में होते थे, लेकिन ये विंटर में भी फ्लावरिंग अच्छी तरह से करते थे। और ये देखिए, ये हैं चांदनी के प्लांट, इसमें उजले उजले फ्लावर आते हैं समर में। और इसके नीचे ये देख सकते हैं कुछ मैं डेंथस जो लगाई हूँ कटिंग, और ये कटिंग आप देख सकते हैं लग चुके हैं। इस समय इन कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये है अजवाइन का पौधा, ये देख सकते हैं ये लताएं की तरह ये ग्रोथ कर रहे हैं। और इसके बगल में ये अपराजिता उजला वाले, और ये गुलदौदी उजले वाले। और इसके नीचे ये देखिए कुछ ये सकुलेंट प्लांट हैं, और ये पेंजी, ये देख सकते हैं येलो वाले, जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। और ये क्लांचो, और ये जीनिया, और ये गुलदौदी, ये भी क्लांचो, ये भी गुलदौदी येलो वाले, और ये डॉग फ्लावर, ये देख सकते हैं डॉग फ्लावर, और ये क्लांचो, और ये गुलदौदी, और ये सभी रोज के प्लांट हैं जिसमें कुछ दिन पहले फूलों से भरे हुए थे, लेकिन अब फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे में न्यू ब्रांच पर ही बड्स आते हैं। ये देखिए, फिर से कलियां बनने लगी हैं, ये देख सकते हैं। यानी कि गुलाब की भी आप समय समय पर प्रूनिंग करते रहें तो इस पर कलियां बनते रहते हैं। और ये देखिए, कुछ मेरे ये लगे हुए हैं वेस्ट मटेरियल में लगे हुए प्लांट, ये अपराजिता है और एस्पेरिगस फर्न, और ये बेबी सन रोज है जो गर्मियों में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। और ये है पर्पल हर्ट, जिसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और ये देखिए, ये एस्पेरिगस फर्न ही है, और ये ऊपर में ये स्पाइडर प्लांट लगा रखी हूँ, और नीचे में ये देख सकते हैं उल्टे मैरीगोल्ड जिसमें फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और ये गुलदौदी, नीचे भी गुलदौदी और ऊपर में भी ये गुलदौदी लगे हुए हैं, ये पर्पल हर्ट, ये सभी बेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। और ये देखिए, बड़े से बॉटल में सदाबहार मेरे लगे हुए हैं, और ये छोटे से बॉटल में ये हाल ही फिलहाल मैं लगाई हूँ, ये नीचे की तरफ ये कोलियस और ऊपर की तरफ ये मैरीगोल्ड लगाई हूँ जिसमें फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये इरेंथमम, ये छोटे से बॉटल में ये वाइल्ड केन में स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखिए, ये देसी कनेर है
जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें भी आप खाद पानी देना स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे ये क्लांचो जो छोटे से बकेट में, प्लास्टिक वाले बकेट में लगे हुए हैं, अब इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गए हैं। और ये कुछ और मैरीगोल्ड, ये गुलदौदी, ये येलो वाले, ये सभी जो आप मैरीगोल्ड और गुलदौदी, गुलदौदी तो मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ, मैरीगोल्ड ये सभी मैं 10 रुपया की प्लांट लगाई थी, 12 प्लांट मुझे मिले थे, उनमें कुछ ऐसे निकले, मतलब अलग अलग तरह के, सभी तरह के, कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज के मैरीगोल्ड उसमें मिक्स थे, और सभी अभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये देखिए ये पीछे के साइड, ये सभी कोलियस मेरे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखिए टगार के प्लांट है जो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, और ये मोर पंख, और ये देखिए सभी मैरीगोल्ड है, और ये क्रिसमम येलो वाले, ये सभी मैरीगोल्ड देख सकते हैं। ये क्रिसमम के सभी प्लांट आप जो देख रहे हैं सभी मेरे पुराने प्लांट हैं। और ये मैरीगोल्ड 10 रुपये की 12 प्लांट लाई थी, उनमें से कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे फ्लावर वाले निकल आए। एक्चुअली में मैं मिक्स फ्लावर प्लांट ली थी, उन्होंने नर्सरी भैया से बोल दिए थे कि हमें मिक्स दीजिए, कुछ बड़े वाले कुछ छोटे वाले, तो उन्होंने मिक्स करके हमें 10 रुपये की 12 प्लांट दिए थे। और ये सभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी। और ये देख सकते हैं ये सभी गुलदौदी जो फूलों से भरे हुए हैं, ये सभी मेरे पुराने प्लांट हैं। जितने सारे आप ये गुलदौदी देख रहे हैं ये सभी मेरे पुराने प्लांट हैं। ये देखिए ये येलो वाले भी पुराने प्लांट हैं। सिर्फ वाइट वाले ये जो आप प्लांट देखे हैं, अभी हाल ही फिलहाल में 30 रुपये की प्लांट मैं लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास वाइट वाले नहीं थे। और ये कुछ परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं, ये एस्पेरिगस फर्न, और ये लेडी पाम, वो नाइट जैस्मिन है। और ये देखिए ये सभी ड्रेसिना के वैरायटी है, और ये एरिका पाम के ही वैरायटी है, और ये फाइकस है, उधर येलो लिप्स वाले वो गंधराज के प्लांट है ड्रेसिना, और ये पिंक फ्लावर पॉइंसेटिया हैं, ये क्रोटोन है, और ये एरेंथिमम, और ये ओलियंडर, ओलियंडर के बगल में बोगनविलिया हैं, और ये एक और ड्रेसिना, और उसके बगल में ये गुड़हल के प्लांट हैं, ये भी गुड़हल हैं, और ये डेविल्स बैकबोन है जिसकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है, और ये फोर्बिया मिली जो सालों भर इसमें फ्लावरिंग करते हैं, एक और लेडी पाम ये देख सकते हैं, ये येलो एल्डर है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। ये देखिए कुछ और स्नेक प्लांट की ये वैरायटी है, ये वाले, और ये एडेनियम। तो चलिए कुछ और प्लांट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे गुलदौदी ही है येलो वाले, लेकिन इसमें कीड़े लगे हुए थे जिसे मैं हार्ट प्रूनिंग कर दी हूँ, फिर से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और इसके बगल में ये मैक्सिकन पिटूनिया जिसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, और ये चांदनी, एक कुछ कोटोन के प्लांट है जिसे इंडोर से रखकर मैं थोड़े से धूप में रखी हूँ, और ये अनार जो अपने आप ही ग्रो कर गए हैं सीड से, और ये देखिए गुड़हल, ये सभी गुड़हल के प्लांट हैं। और ये चाइनीज हिबिकस है पॉलीबैग में लगे हुए जिसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये मैं कुछ ओनियन लगाई हूँ,
ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये रोहियो प्लांट जो देखने में खूबसूरत लगते हैं। ये कुछ मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई हूँ, इसमें पूरे फ्लावर सूख गए थे, लेकिन आपको करनी क्या है, जैसे इस जहाँ से फ्लावर आप काटते हैं वहाँ से थोड़े से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें तो वहाँ से न्यू ब्रांच आते हैं, और इन कलियों को भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग के लिए खाद भी मिलते हैं, यानी कि सूखे फ्लावर को आप इसे में से हटाते रहें। एक और कटिंग, ये सभी कटिंग लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये सभी मैरीगोल्ड की हाल ही फिलहाल मैं कटिंग लगाई हूँ, और वो जरबेरा थे, ये देखिए पिटूनिया की कटिंग, ये मैक्सिकन पिटूनिया, और ये देखिए लाल साग की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। ये डहलिया की मैं कटिंग लगाई हूँ, और एक और डहलिया जो 7 दिन के अंदर ये फ्लावरिंग करने लगेंगे, कौन से कलर हैं अभी दिख नहीं रहे हैं। एक और देखिए पिटूनिया की कटिंग लगाई हूँ जिसमें फ्लावरिंग होने लगे हैं, और ये डेंथस हैं, ये कुछ मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई हूँ, और ये भी गुलदौदी, और ये देख सकते हैं जिसके फ्लावर शायद गिलहरी ने खा गए हैं। ये हाइब्रिड कलांचो हैं पिंक कलर के, जिसमें फ्लावरिंग होने ही वाले हैं। कुछ मैं पुदीना लगा रखी हूँ, और कुछ और कटिंग, ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, कुछ बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं, इसमें ब्रिंजल आते रहते हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल बहुत सारे ब्रिंजल लगे हुए थे जिसे मैं हार्वेस्ट कर ली। ये मिर्च की ब्लैक वाले मिर्च है जिसके मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ, लेकिन न्यू लीव्स इसमें निकलने लगे हैं। और एक और बैगन जिसे मैं बोड़े में शिफ्ट कर दी हूँ, इसमें बैगन लगे हुए हैं, ये इलायची के प्लांट। और ये लौकी है, देख सकते हैं, लौकी को पॉलीथीन से कवर कर रखी हूँ ताकि कीड़े मकोड़े इसमें इसे ख़राब ना करें। इसमें बहुत सारे लौकी मेरे लगे हुए हैं, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए अभी भी लौकी आ रहे हैं। और ये हरसिंगार हैं जिसकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है। देखिए कुछ और प्लांट, ये हिबिकस को गमले की कमी के कारण ये पॉलीबैग में लगा रखी हूँ, ये ड्रेसिना है। जो प्लांट मेरे बहुत सारे हैं उन्हें मैं जहाँ पाती हूँ वहीं लगा देती हूँ गमले की कमी के कारण। और ये देखिए कुछ सकुलेंट भी, मेरे कैक्टस भी अच्छी तरह से वेस्ट मटेरियल में ग्रो हो रहे हैं। ये सभी परचुलका को डब्बे में लगा दी हूँ, और जैसे ही समर स्टार्ट होंगे इसे मैं फिर से डब्बे से निकाल कर गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। अब चाहे तो अभी इस पर काम कर सकते हैं। और ये कुछ कटिंग मेरे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए जो मैं सीड से एडेनियम ग्रो की थी उसे मैं लगा रखी हूँ, और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये विंटर टेरेस गार्डन ओवरव्यू, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।